आ के लुटेरियां दे वलों साइकिल ते जा रहे शख्स नूं भी नहीं छड्डिया। तीन बाइक सवार लुटेरियां ने साइकिल ते जा रहे व्यक्ति नूं घेर लिया, फिर उसकी लुट कीती। लुटेरे इस तों महंगा मोबाइल फोन अते इसके ATM लैके फरार हो गए। पिस्तौल की नोक ते लुटेरियां दे वलों इस वारदात नूं अंजाम दिता गया। राह जांदे नूं घेर के 38,000 का मोबाइल फोन खोलिया और इसके कोल जो ATM सन वह भी लै ले। बाद दे विच ATM दे विचों 2,64,000 रुपये कढ़ा ले, जिसका मैसेज इस पीड़ित व्यक्ति नूं आया। जानकारी मुताबिक इसने अपनी भैन दे विआह दे लई इह पैसे जोड़े सी। कुछ पैसे बैंक तो इसने लोन ले सी। पिस्तौल दी नोक ते इह वारदात कीती गई। हुण इस शख्स वल्लों पुलिस ते गंभीर आरोप लगाए गए ने कि इन्हां तस्वीरां नूं आधार बना के पुलिस ने हाले तक कोई कार्रवाई नहीं कीती। हाले भी इह तिन्ने लुटेरे पुलिस की हिरासत विच नहीं आए। 21 दिन थाने दे चक्कर कट रहा इह शख्स, पर हाले भी इसकी किते भी सुनवाई नहीं हुई। हौजरी दे विच सिलाई दा काम करता है। 16 नवंबर नूं साइकिल ते अपने घर पंजाबी बाग जा रहा सी, तां रस्ते दे विच इह लुट हुई। सारी घटना CCTV दे विच कैद हो गई। लुधियाणा दे सुंदर नगर दा इह पूरा मामला, जिथे साइकिल सवार तों लुट कीती गई। तस्वीरां अपने आप दे विच गवाही भरदियां ने किस तरीके दे नाल तीन लुटेरे बाइक ते सवार होके आउंदे ने। इक मोटरसाइकिल ते बैठा रहिंदा, जबकि दो लुटेरे साइकिल नूं घेर लैंदे ने और इस शख्स तों 38,000 दा मोबाइल अते इसदे ATM लै के फरार हो जांदे ने। मैंने फैक्ट्री से निकला काम करके, तीन अज्ञात व्यक्ति थे, उनके पास एक गन भी था और साथ में कृपाण था। दो व्यक्ति उतरे, पहले तो मेरे को कालड़ पकड़ के पकड़ लिया, मैं चलते समय साइकिल से था मैं। उसके बाद जो है एक बंदे बाइक को मोड़ लिया, दो बंदे मिलके गन भी और कृपाण लगा करके मेरा 38,000 का फ़ोन था, लगभग 2,64,000 रुपये अकाउंट से निकाल लिए उसने। रिपोर्ट लिखाने के बाद निकाले उन्होंने पैसे। ये कौन से थाने में रिपोर्ट करी आपने? सुंदरनगर चौकी। सुंदर थाना गृह से? हाँ जी। अच्छा, ये कब की बात है? ये 16 नवंबर की रात की बात है। तो इतने दिन हो गए, अभी तक वो बंदे नहीं पकड़े गए? सर, SHO सर को भी बताया हूँ, जो हमारे प्रभावी है यानी कि उनको भी सारा कुछ बताया हूँ, लेकिन सुखदेव सर को, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही सर। सुनवाई नहीं हो रही? नहीं। एक आपने वीडियो दिया है मुझे सर, आपके साथ बंदे साइकिल पर आप जा रहे हो? हाँ जी सर। अच्छा, वो वीडियो मैं खुद जो है ना दोस्तों के साथ जो है ना सैलरी वो क्या कहते हैं स्टेटमेंट बैंक का निकलवाने के बाद उसके हिसाब से हमने वीडियो भी कलेक्ट किया है। एक और आपने वीडियो भेजी जिसमें एक बंदा पैसे ले रहा है किसी से दुकान पर, वो बंदा कौन है? वही बंदा चोर है, उसमें बीच में जो टोपी पहना है जिसमें क्राइम के टाइम पे, वही लड़का है वो। अच्छा। हाँ जी सर। कैसे आपको कैसे पता चला कि बंदे ने यहाँ से पैसे निकाले? बैंक स्टेटमेंट से उस दुकान का नाम आया था, लोकेशन से ढूंढ लिए थे हम लोग। आपने खुद ढूंढ लिया? हाँ जी सर। किस जगह पे? ये अपना शिवपुरी में मस्जिद के पास है वो दुकान, 4 नंबर गली में। ये तो काम पुलिस का, पुलिस ढूंढेगी, आप खुद ही ढूंढ रहे हो सर? वो नहीं कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग खुद ढूंढ रहे थे सर, ताकि कोई क्लू मिल जाए सर। उसके बाद फिर पुलिस को बताया था, वो बाहर जो है बाइक वगैरह का नंबर देखने के लिए दूसरे CCTV कैमरा देखने के लिए गए थे। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। अच्छा, तो बाइक का नंबर नोट किया आपने? बाइक का नंबर उसमें सही से नहीं आ रहा, क्राइम वाले जो बाइक था उसमें 1738 गाड़ी नंबर था। क्योंकि मैंने देखा CCTV में जब वो आपसे छीना झपटी करके जा रहे हैं, आप बाइक की तरफ देख रहे थे? हाँ जी, तो गाड़ी का नंबर ही देख रहे थे, तो ऊपर वाला नहीं समझ में आया, लेकिन नीचे वाला मैंने पूरा देख लिया था। अच्छा, तो आपने बताया इनको नंबर? हाँ बताया था, लेकिन लिखा नहीं है। और सर आज पता लगा है, मैं किसी पंजाबी व्यक्ति से पढ़ा लिखा है, उनसे पढ़वाया हूँ, तो पता लग रहा है उन्होंने गन का कोई जिक्र ही नहीं किया रिपोर्ट में, सिर्फ वो दांत का जिक्र किए हुए हैं। तो आपने बताया था कि उनके पास गन भी थी? मैं बताया था, सिर्फ दांत होता था, मैं तो उससे उलझ भी सकता था सर, गन देख के ही मैं साइलेंट हो गया था सर। तो कितना नुकसान हो गया आपका? लगभग 38,000 का फोन था, 2,64,000 रुपए थे। तो पर्स में कैश भी था कुछ? 3,000 रुपए कैश थे। अच्छा। 4 ATM कार्ड थे और एक क्रेडिट कार्ड था, आधार कार्ड पीछे ही था। तो आप 2,00,000 रुपए बता रहे हो, वो 2,00,000 कैसे निकाला उन्होंने? ATM के थ्रू भी निकाला है, कुछ UPI के थ्रू निकाला है, और मेरे जो ATM थे उससे UPI कर करके जो चारों ATM से उसने निकाले हैं। अच्छा, तो फिर वो 2,00,000 रुपए आए कहाँ से, बैलेंस कहाँ से आया? मैं 4,20,000 का लोन लिया था एक्सिस बैंक से, सिस्टर की शादी करनी थी इसलिए मैंने लिया था। अच्छा, कब थी, कब है सिस्टर की शादी? ये 3-4 महीना पहले मैंने लिया था, अभी शादी की बात चल ही रही थी तो मैं पहले ही ले लिया था, ताकि व्यवस्था रहे तो शादी पे दिक्कत नहीं आएगी।
वो फिर पैसे सब निकल गए फिर। हाँ जी सर। अब लगता है कि पुलिस अब पकड़ लेगी क्योंकि 20 दिन तो हो चुके हैं सर। अभी तक तो कुछ नहीं लगा है, भाइयों का सुनवाई नहीं होता पंजाब में। सीधी बात हो आप। हाँ जी सर। तो ये सुनवाई नहीं कर रही पुलिस? नहीं सर। आप SHO से मिले थे? हाँ जी सर। क्या बोले वो? वो बोले कि देखता हूँ, कार्रवाई होगी, टेंशन मत लो। ऐसे मैं रोज आता हूँ, रोज जो है ना मुझे वैसे ही समझा बुझा के भेज दिया जाता है। अच्छा। साइबर ऑफिस भी गया था तो उन्होंने कहा जो मेरे से बनता है जो भी रिपोर्ट मैं थाने को भेज दूंगा, बाकी ये काम थाना का है क्योंकि तुम्हारे साथ क्राइम हुआ है, फ्रॉड नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हें लूट लिया गया। आपके मोबाइल में अलग अलग तरह के सिम डाले गए? हाँ जी सर। वो